हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पोस्ट पे एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और आप पोस्ट पे एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं पोस्ट पे एप्लीकेशन का यूज करके, और हर बिल पेमेंट पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, जैसे कि आप अपने पोस्ट पे का लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो आज की इस वीडियो में आप पूरे डिटेल से जानने वाले हैं पोस्ट पे एप्लीकेशन के बारे में और क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और जानते हैं कैसे आप अपने पोस्ट पे एप्लीकेशन का यूज करके क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो। सो आपके पास पोस्ट पे एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मिलेगा पे एनी क्रेडिट कार्ड का बिल का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके पास जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे यहाँ पर शो कर जाएंगे। तो मेरे पास दो क्रेडिट कार्ड है तो दो क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो मैंने इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, उस पर टच कीजिए एंड अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर कीजिए। नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको कन्फर्म का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी अमाउंट का आपको बिल पे करना है यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मैंने 13,770 रुपये का बिल पे करना है तो मैंने यहाँ पे 13,770 रुपये एंटर किया एंड कन्फर्म पे क्लिक किया। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं सारे मेथड आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे UPI से पेमेंट करना चाहता हूँ। UPI डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी गूगल पे में नोटिफिकेशन आया उस पेमेंट को जाकर अप्रूव कीजिए। आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और देख सकते हैं मेरा भी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और मेरा यहाँ पे जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड पे इंस्टेंट क्रेडिट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैसेज भी आ चुका है बैंक से, तो ये इंस्टेंट क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट में। और उसके साथ ही साथ मेरी पोस्ट पे की लिमिट भी अपग्रेड हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल पेमेंट करने से पहले जो मेरी लिमिट थी वो 20,000 रुपये की थी और जैसे ही मैंने अपना बिल पे किया उसके बाद जो मेरी लिमिट है वो 4,000 रुपये इंक्रीज हुई है और अभी की जो लिमिट है वो 24,000 रुपीज़ की लिमिट है। तो अगर आप भी अपनी लिमिट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है पोस्ट पे एप्लीकेशन से करेंगे तो आपकी जो लिमिट है डेफिनेटली इंक्रीज होगी। उसके बाद आपको डन वाले बटन पर क्लिक करना है। डन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कैशबैक का एक सेक्शन मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 167 का मैंने कैशबैक अर्न किया है पोस्ट पे एप्लीकेशन से। तो उसके बाद अगर आप अर्न मोन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने कैशबैक अर्न किए हैं वहाँ पे आपको सब शो कर जाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने अभी क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया तो उससे मुझे 137 का कैशबैक आया और भी मैंने बहुत सारे पेमेंट किए हैं तो उसके मुझे कैशबैक मिले हैं। तो पोस्ट पे में आपको एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि जितना भी आप पेमेंट करते हैं मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल का पे करते हैं उसका 1% आपको कैशबैक मिलता है, रियल कैश होता है, मतलब कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, कैशबैक मिलते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज फीचर है, तो आप यूज़ कर सकते हैं पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।